स्पाइडरमैन एंड आयरन मैन की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। Assalamualaikum everyone, I hope everyone is doing great and had a very great Eid. Eid Mubarak everyone, a very very happy Eid Mubarak to all of you. I hope सबकी ईद बहुत अच्छी गई होगी और जब तक ये vlog आएगा सबकी ईद हो चुकी होगी। मुझे पता है क्योंकि मुझे time नहीं मिलेगा vlog डालने का। So here is our vlog of Eid day 1 and Eid day 2. So let's get started. So it's officially day 1 of Eid today और बस यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, नमाज पढ़ के आ गए हैं ईद की और बस बच्चे तैयार हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, सब कुछ क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, घर सज चुका है और ये मेरे हस्बैंड का कमीज टंग रही है यहाँ पे और बच्चे बस तैयार हो रहे हैं। दे आर इन द वॉशरूम एंड यू कैन सी दिस मॉर्निंग व्यू। और ये देखेंगे बन रहा है मुगलियाई कोरमा जो कि मेरे हस्बैंड का स्पेशल है और मिस्टर आसिम जो हैं ये ईद में ज़रूर बनाते हैं, ख़ुद अपने हाथों से बनाते हैं। मैंने बनाई है मलाई बोटी और हस्बैंड बना रहे हैं मुगलियाई कोरमा। साथ में ये देखें माशाल्लाह से मेरे बच्चों के ईद के ड्रेसेस, दोनों को ब्लू मैंने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की है, बहुत प्यारा सा कलर है तो बस ये पहनेंगे मेरे बच्चे। So let's get them dressed up. और ये देखें माशाल्लाह से बच्चे हो गए हैं तैयार, माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं अपने ड्रेस पहन के, अपनी सारी एसेसरीज़ पहन के, माशाल्लाह माशाल्लाह से और बहुत प्यारे लग रहे हैं। दोनों की कोऑर्डिनेशन जो है, ये जो कलर मैचिंग है, बहुत प्यारी लग रही है। एंड आप भी बताइएगा आप लोग को ड्रेसिंग कैसी लगी और आप लोग ने कैसी ड्रेसिंग करवाई, क्योंकि बहुत गर्मी है तो मैंने बच्चों को थोड़ा सा हल्का लाइट सा रखा है क्योंकि ज़ाहिर है इतनी गर्मी है और वो लोग इतना हैवी ड्रेस या इतनी ज़्यादा जो है क्लोथ जो है जो रेशमी या शिफॉन के वो ये लोग पहन नहीं पाते, तो मैंने इसलिए आयशा का जो है उसका भी मैंने लाइट ड्रेस रखा है ईद के लिए। एंड दैट्स इट। और ये माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं और ये देखें आप इनकी डिटेलिंग्स देखें, इनकी चूड़ियाँ देखें माशाल्लाह। इसको इचिकल के छोड़ दो, इचिकल के छोड़ दो। वो पर्स जो है मेरी बेटी वो छोड़ ही नहीं रही है क्योंकि उनको लगा वो गिर जाएगा, तो वो फर्स्ट टाइम उनका पहनने का एक्सपीरियंस है, मतलब सेकंड टाइम है लेकिन पहला उनको इतना याद नहीं होगा ज़ाहिर है तो। और ये माशाल्लाह से मेरे बच्चे इसकी जो है कुर्ते की इसमें कढ़ाई हुई हुई है और कितनी खूबसूरत लग रही है इसकी कढ़ाई माशाल्लाह से। स्लीव्स इन्हें फोल्ड करवा रही है, इनको गर्मी लग रही है। जी तो अब हम सब तैयार होके खा पी के निकल गए हैं बाहर, अब जाएंगे हम अपने कुछ रिलेटिव्स के घर। इस बार हो गया है अम्मी का घर मिस और बहुत मिस हो रहा है क्योंकि अम्मी हैं मेरी मुल्क से बाहर, यस आउट ऑफ कंट्री हैं, तो फिर जाहिर है फिर अब रिलेटिव्स के घर जाके ही होगा। तो हम जा रहे हैं खाला के घर जाएंगे, मामू के घर जाएंगे और भी बहुत सारे रिलेटिव्स के घर जाएंगे। सो लेट्स द फन बिगिन और अब जाते हैं हम
ईद मिलने, मीठा खाएंगे और फिर ईदी भी लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वाटर पंप का मुन्ना था? नहीं, वो तो आ ही गलत तुम्हें कहीं बाबा से घूम करके आ रहा हूँ। वो तो वाटर पंप तो रास्ते में था, चरंगी से पुल के चढ़ा, चरंगी से मुड़ करके सीधा चंदा पास। अच्छा, अभी देखना वैसे में लेके जाऊंगा। पता नहीं क्या जानबूझ के हुआ, जानबूझ के पता नहीं क्या जानबूझ के हुआ, जानबूझ के जो अब जाएंगे हम घर वापस। और दैट वाज ईद डे वन और दैट्स इट। बहुत मज़ा आया, ईद का दिन था, बहुत मज़ा आया। बस अम्मी अब्बू को बहुत मिस किया। एंड नाउ लेट्स मूव टू ईद डे टू। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड इट्स ईद डे टू। जी हाँ, ईद का दूसरा दिन है, बस तैयारी चल रही है। आज हम थोड़ा लेट उठे हैं, ऑलमोस्ट इट्स आफ्टरनून। जोहर की नमाज़ भी हो गई है और अब बस बच्चे तैयार हो रहे हैं एंड देन आई विल गेट रेडी एंड देन वी आर गोइंग आउट अगेन। वी आर गोइंग टू सम अदर रिलेटिव्स टुडे। आज कोई आउटिंग का ऐसा प्लान नहीं है क्योंकि कुछ रिलेटिव्स हैं उनको कवर करना आज बहुत ज़रूरी है एंड रात में हमारी दावत भी है खाला के घर। सो इसलिए ऐसी कोई आउटिंग मतलब पब्लिक प्लेस या ऐसे कोई घूमने का प्लान नहीं है। वही ट्रेडिशनल टाइप ईद मनाएंगे और रिलेटिव्स के घर विजिट करेंगे और अपने घर बुलाएंगे। और साथ में यस, अभी जो है देर इसलिए भी हो गई कि अभी हमारे घर मेहमान आए थे और वो अभी गए हैं। सो देन वी आर जस्ट गेटिंग रेडी। और ये देखें, ये मैंने प्रेस कर लिया बच्चों के कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। ये ईद डे टू का कपड़ा है, अब्दुल्ला का कम्फीसा शॉर्ट्स हैं और साथ में शर्ट है। और ये आयशा की प्यारी सी जो है क्या बोलते हैं कमीज़ है और साथ में इसका ट्राउज़र है। सो दैट्स इट। और जो मेहमान आए थे तो उस वक्त भी बच्चों ने मतलब फ़्रॉक और उसने टी शर्ट और वो शॉर्ट्स पहने हुए थे, लेकिन ज़ाहिर है वो पहन के बाहर तो नहीं जा सकते। सो इसलिए मैंने सोचा इनको थोड़ा प्रॉपर तरीके से रेडी करें। सो बस ये रेडी हो रहे हैं, ये साथ में मैंने जो है प्रेस कर लिया है और दैट्स इट। और आई एम ऑलमोस्ट रेडी। अच्छा जी, इस ड्रेस के साथ समझ में नहीं आ रहा इसको हेयर बैंड कौन सा पहनाऊँ। वाइट वाला भी अच्छा लग रहा है और वो वाला है, लेकिन वो थोड़ा शायद आउट जा रहा है। वाइट वाले ही आई विल प्रिपेयर। सो बस ये एक्सेसरीज भी मैंने जमा कर ली हैं। ये देखें, ऑन आर वे की दावत। अब दावत भी जा रहे थे लेकिन साथ में इनको जंपिंग कैसे दे दिया है और जंपिंग आया तो और अभी इस हालत में दावत में देखे। बट खैर बच्चा और ये देखें, टन टनान सारा दिन गुजर गया है, घर भी वापस आ गए हैं, कुछ भी शूट नहीं कर पाई। पता नहीं चल रहा है टाइम का, आपको पता ही है। इट वाज ऑल सडन। खैर अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ईद गुजरी है। बच्चों के साथ बस जो है शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर अब हम घर आ गए हैं, बच्चे सो चुके हैं आराम से और अब हमारा है मूवी का प्लान। मून नाइट का लास्ट एपिसोड भी आ चुका है, वो मुझे देखना है। साथ में हम कोई और मूवी भी देखेंगे लेकिन पहले मून नाइट देख लेते हैं। अच्छा, ये वेबसाइट आप देख रहे होंगे ये है cinep.net। यहाँ पे आराम से आपको ऑनलाइन जो है मूवीज़ मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप आराम से देख सकते हैं और डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आराम से इसको स्ट्रीम हो जाती है और आराम से मूवीज़ आप देख सकते हैं। लेटेस्ट एपिसोड्स भी हैं यहाँ पे, बहुत सारी कलेक्शन है। तो cinep.net मैं लिंक नीचे दे दूँगी, वो आप जाके देख लीजिएगा, आपको और डिटेल्स वहीं पर मिल जाएंगी। मैं मून नाइट का लास्ट एपिसोड देख रही हूँ। मार्वल फ़ैन ऑफकोर्स, अ बिगेस्ट मार्वल फ़ैन, एंड मून नाइट के मैंने सारे एपिसोड्स देख लिए हैं। लास्ट 6th एपिसोड जो आया है वो देखना है मुझे इस सीजन का। I can't tell the difference between my waking life and dreams. It must be very difficult. The voices in my mind, in your head. There's chaos in here. Embrace it. और कौन कौन फ़ैन है मार्वल का, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आने वाली है
एंड आई गेस जब तक मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगी आ भी चुकी होगी, क्योंकि फ्राइडे को रिलीज़ हो रही है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि उसका जितना उसका क्रेज़ बना हुआ है. और स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद जो उसके बाद जो मल्टीवर्स शुरू हुआ है, और वो वांडा में भी शुरू हुआ था, वांडा विजन में, उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भी है, उसमें ज़ाहिर भी है, और भी बहुत सारे रूमर्स आए हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच. Every night, I dream the same dream. Then, the nightmare begins. I did what I had to do to protect our world. You cannot control everything, Strange. You opened the doorway between universes, and we don't know who or what will walk through it. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. He was right. I'm sorry, Steven. Your desecration of reality will not go unpunished. We should tell him the truth. Things just got out of hand. You break the rules. Look out! I become the hero. I do it, I become the enemy. That doesn't seem fair. और जो भी मार्वल फ़ैन होंगे और जो उसको फॉलो अप करते होंगे उनको पता होगा वो भी कितने एक्साइटेड होंगे. सो लेट्स सी उसमें क्या होता है. पहले मून नाइट तो देख लें, और मून नाइट का जो ये एपिसोड है उसमें भी शायद सब कुछ क्लियर नहीं हो, तो उसका सीज़न 2 के लिए भी वेट करना है अभी. खैर ये देख लेते हैं, एंड मैं लिंक नीचे डाल दूँगी, आप लोग भी जाके ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आई एम लविंग दिस मार्वल सीरीज अ लॉट. ओके, खैर आई डोंट नो व्हाट्स टेकिंग टू लॉन्ग, इतना लोड हो रहा है, लेकिन आई गेस मुझे मीरा कास्ट करना पड़ेगा क्योंकि सर्वर डाउन लग रहा है. सो दैट वाज द व्लॉग फॉर ईट डे 1 एंड ईट डे 2. आई होप यू एंजॉयड इट अ लॉट, एंड आई होप यू ऑल्सो हैड अ ग्रेट ग्रेट ईद, एंड थैंक्स फॉर शोइंग द लव. कीप फॉलोइंग, टू सब्सक्राइब, कीप लविंग. अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट टाइम, एंड नाउ डू वेट फॉर द व्लॉग ऑफ ईट डे 3.